तो इसमें लोग बात करने वाले हैं जेल ब्रेक क्या होता है, किस तरह से आप किसी भी आईफोन को जेल ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए जो कि आपका आईफोन है जेल ब्रेक कर देते हैं, उसमें आपको क्या चीज़ एडवांटेज है और क्या चीज़ आपको डिसएडवांटेज मिलता है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जेल ब्रेक क्या होता है। जेपन जेल ब्रेक एक मेथड जिसकी मदद से आप अपने जो कि आईफोन होता है उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत ही सारा आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है जेपन, जैसे कि आपका एंड्रॉयड फोन होता है उसमें जब कभी भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को रूट कर देते हैं तो उसमें आप वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कस्टम रोम डाल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर थीम्स भी सेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो कि आपका आईफोन होता है इसमें आपको जेल ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। जब कभी भी आप अपने आईफोन में जेल ब्रेक कर देते हैं तो उसमें जो कि आपका एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें किसी भी आप मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी भी ऐप्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। यदि जेल ब्रेक कर देते हैं तो जो कि आपका आईफोन होता है इसमें आपको एक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है जिसका नाम है सीडिया जेपन। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से आप अपने आईफोन में यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा टेक्स्ट कलर यह सभी आप बहुत ही आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जेपन। तो सीडिया बहुत ही आसानी से यह ऑटोमेटिकली आपके आईफोन में इंस्टॉल हो जाएगा जब कभी भी आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करेंगे। यदि मान लीजिए आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो इसे आप ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं जब कभी भी आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको डिसएडवांटेज मिलता है जेपन, तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉस वारंटी, यानी कि जो कि आपका वारंटी है वो लॉस हो जाएगा जब कभी भी आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करते हैं। तो जो कि आपका आईफोन का वारंटी होता है वह सभी लॉस हो जाएगा। यदि आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करते हैं तो उसकी जो कि सिक्योरिटी होती है वह टूट जाती है, आपको उसमें हैंग लैग और बग जैसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं और क्या मेन डिसएडवांटेज है जेपन, तो मेन डिसएडवांटेज है कि आप उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऐप होते हैं जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये सभी आप उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है वह सभी काम करना बंद कर देंगे, उसमें आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से। जब कभी भी ओपन करेंगे मान लीजिए तो सिंपली कुछ इस तरह से आपको मैसेज शो हो जाएगा। तो यह सभी आपको डिसएडवांटेज मिलते हैं जब कभी भी आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करने जाएंगे, तो उसमें जो कि एडवांटेज होता है वह भी बढ़ जाता है और जो कि डिसएडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज तो आप जान चुके हैं क्या चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें उम्मीद आप समझ गए जो कि आपका जेल ब्रेक होता है यह क्या होता है। आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक करना चाहते हैं तो सिंपली आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक कर सकते हैं और जितने भी यहाँ पर फीचर होता है उसका यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप कस्टमाइजेशन और जितने भी फीचर हमने बताया वह सभी आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। हमें उम्मीद आप समझ गए जेल ब्रेक क्या होता है, जेल ब्रेक करने के बाद क्या चीज आपको एडवांटेज मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज क्या चीज देखने के लिए मिलता है और किस तरह से आप अपने आईफोन को जेल ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।